हेलो फ्रेंड्स, फीफा स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम का जो रिजल्ट का जो अपडेट है वो क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये मैंने न्यूज़ उठाई है, जनसत्ता एक चैनल है जनसत्ता, जिसमें कि ये है आपकी 26 जैन 2019 11:34 की। ठीक है, तो चलो इसको हम पढ़ने वाले हैं। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2018-19 डेट लाइव अपडेट, यहाँ जानने के लिए कब तक आ रहा है ग्रुप डी के परिणाम। ठीक है, इन्होंने बोला है आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2018-19 लाइव अपडेट्स, आपत्ति दर्ज कराने का समय 14 जनवरी से 19 जनवरी तक था। ठीक है, आपत्ति दर्ज कराने के लिए कैंडिडेट को आरआरबी द्वारा निर्धारित फीस देनी पड़ी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, आप कैंडिडेट्स किसी प्रश्न के लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि आरआरबी ग्रुप डी 2018-19 लाइव अपडेट रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि ग्रुप डी परीक्षा के रिजल्ट बहुत जल्दी जारी किए जाएंगे। आरआरबी के एक अधिकारी ने बताया, यहाँ पर बहुत जो इम्पोर्टेंट जो डेट है वो ये ध्यान रखें। ठीक है, वो डेट निकल के आ रहा है, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के परिणाम 13 फरवरी तक जारी किए जाने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, जो कुछ दिनों से इनके न्यूज़ निकल कर आ रही है, कल जो न्यूज़ निकल कर आई थी, इन्होंने बोला था कि भाई 31 जैन तक परिणाम जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी थोड़ी देर पहले की ही न्यूज़ है, इन्होंने फिर दोबारा बोला है, इन्होंने अब अधिकारी से बात की है जनसत्ता वालों ने, जो न्यूज़ चैनल है, इन्होंने जो निकल कर आया वो यही निकल कर आया कि भाई जो आपका जो रिजल्ट है वो 13 फरवरी से पहले मुश्किल है। ठीक, 13 फरवरी को ही जारी हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है निर्धारित तिथि पर परिणाम सभी क्षेत्रों की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए थे वो अपने क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए जरूर वितरण दर्ज करा के परिणाम चेक कर पाएंगे। ठीक है, बता दें कि आरआरबी ने ग्रुप डी परीक्षा की आंसर की में पिछले महीने जारी कर दी थी, जिन्होंने कैंडिडेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब कैंडिडेट किसी प्रश्न के लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने का समय था ये था फलाना की, ये तो चलो पहले की न्यूज़ है, न्यूज़ तो आज की है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि 26 जैन की ही न्यूज़ है। ठीक है, इन्होंने बोला कि आरआरबी ग्रुप डी 2018-19 रज डेट लाइव अपडेट, महिला उम्मीदवारों के लिए पीईटी की जो शर्त है वो आपको पता ही है कि 20 किलोग्राम इनको वेट उठाना है, 100 मीटर की दौड़ माननी है 2 मिनट्स के अंदर। ठीक है, वेट को लेकर। ठीक है, उसके बाद इनको 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 किलोमीटर दौड़ माननी है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या क्या लिखा है, 3 महीने तक एग्ज़ाम चला, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके जो काम का था वो यही था कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो यही है कि 13 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट मुश्किल है। ठीक है, आपका जो रिजल्ट निकलने वाला है वो 13 फरवरी को ही आएगा, कन्फर्म हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भ्रम में ना पड़ें, ये जो न्यूज़ है लगातार कंटिन्यूस आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, देखो रिजल्ट तो निश्चित है, मेरे अकॉर्डिंग्स तो भाई 13 फरवरी को ही रिलीज़ होगा, ऊपर नीचे डेट हो सकती है, फरवरी से पहले रिजल्ट नहीं निकल सकता। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो की शेयरिंग करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।